औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर सेक्टर नंबर 3 में स्थित एक निजी कंपनी के पास नवजात बच्चे के मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात शिशु को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीतमपुर सेक्टर नंबर 1 के अप्रैल पार्क में स्थित बालाजी कंपनी के पास नवजात शिशु के मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैली। वहीं कंपनी में काम करने जा रहे मजदूर हितेश ने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जाकर देखा और तुरंत 100 डायल को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत नवजात बच्ची को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर प्रभारी रौनक चंदेल का कहना है कि पुलिस बच्ची का स्वास्थ्य अभी ठीक है और उसे उपचार करने के बाद थार रेफर किया जाएगा। वहीं बच्ची समय से पूर्व पैदा हुई। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। अज्ञात बालिका एक लगभग वो 8 महीने के गर्भ से कल ही उसका जन्म हुआ है। वो अप्रैल पार्क के बालाजी फैक्ट्री के पीछे हमको प्राप्त हुई थी, जिसको डायल 100 हमको सुबह 8 बजे के करीब यहाँ पर CSC पीतमपुर में लाई गई थी। बच्ची को हमने अच्छे से उसको सक्शन वक्शन कर दिया है। उसकी अभी हालत जो है वो चूँकि कम वज़न है इसलिए नाजुक है, लेकिन हमने उसको ऑक्सीजन दे रखा है और सारे जो इंजेक्शन्स लगाने चाहिए थे वो लगा दिए हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, महिला बाल विकास में भी इन्फॉर्म हो गया है, तो NGO की टीम अभी आकर उसको संभवतः जिला अस्पताल धार में भर्ती करवाएंगी। आपका नाम और पद? डॉक्टर रौनक सिंह चंदेल, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी CSC।